हो गया। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, थोड़ा जोर से गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। नाश्ता करके आया हो ना? भूख तो नहीं लग रही? हाँ, भूख तो नहीं लग रही। तो ये जो सेशन है, बेसिकली हर बंदा आपको कहते हैं ना कि फॉलो योर पैशन, फॉलो योर टैलेंट, आपको सुनाई देती ना ऐसी बातें तो। बट बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो जिनको एक्चुअल में पता होता है कि वो किस चीज़ में इंटरेस्टेड है। टैलेंट मतलब क्या? कि आप किसी काम को करने में इंटरेस्टेड हो और आप पैसों के लिए नहीं, आप वो काम फ्री भी अगर आपको करने का मौका मिले तो आप करोगे, उसको क्या कहते हैं? इंटरेस्ट या टैलेंट। तो जब मैं मैट्रिक में था, हायर सेकेंडरी स्कूल गिलगित में, और सॉरी नाइन्थ में था, और मैट्रिक की जो हमारी क्लास थी सीनियर की, उनकी बैच पार्टी थी, ठीक है, वो फारिग हो रहे थे तो हम उनको फेयरवेल पार्टी देने वाले थे। तो फेयरवेल पार्टी के लिए ये था कि थोड़ा बहुत मैं इंग्लिश में बोलता था क्लास में, तो मुझसे कहा गया कि आप एंडिंग स्पीच दो इंग्लिश में। मैंने कहा ठीक है, तो मैंने खुद एक लिख ली इंग्लिश में स्पीच, ठीक है। फिर एंडिंग, वो जो टाइम था प्रोग्राम का, मतलब राउंड अबाउट 164 आंखें, ऑडियंस बैठे हुए, मतलब 82 पीपल उस हॉल में बैठे थे, और मुझे क्या देना था? स्पीच, एंडिंग स्पीच। तो फिर सारा प्रोग्राम मेरा जो दिमाग था वो किस पे गया? उस एंडिंग स्पीच पे, कि वे अब मैं कैसे दूंगा, क्या होगा मेरे साथ, ये होगा वो होगा, मैं मर तो नहीं जाऊंगा इस तरह, ठीक है, खैर मर तो नहीं जाऊंगा, ये थोड़ा मैंने कुछ ज़्यादा ही बता दिया। तो ये डर लग रहा था मुझे। तो जब वो मेरा नाम आ गया तो मेरा दिल ढप ढप ढप, ऐसा लग रहा था जैसे कि चीन पहुँच गया है, इतना डर लग रहा था मुझे। तो मैं गया स्टेज पे, स्टेज पे जाके वो जो डाइस नहीं था, पोडियम के बिल्कुल पीछे खड़ा हो गया मैं, और ऑडियंस की तरफ नहीं देख रहा हूँ मैं, डर लग के, डर रहा था ना मैं कि ऑडियंस कहीं, पता नहीं मैं क्यों डर रहा था, ये मुझे भी नहीं पता था, बट मैं डर रहा था। तो मैंने बिस्मिल्लाह करके स्पीच स्टार्ट की। स्पीच स्टार्ट करने के 3 सेकेंड बाद या 5 सेकेंड बाद ही ऑडियंस हंसने लगे, हा। फिर मैंने क्या क्या गौर किया अपनी स्पीच पे, तो मैंने एक ब्लंडर मारा था, मैंने किचन स्टाफ कहने के बजाय चिकन स्टाफ बोल दिया था। तो उसके बाद से वो वर्ड कहने के बाद अब अंदर ही अंदर मुझे पता चल गया ना मैंने ये गलती की, इस वजह से हंस रहे। बट अब मैं उसको कवर करने के लिए क्या कर रहा था, जल्दी जल्दी पढ़ रहा था। अब पहले तो मैं वो क्या ना थोड़ा कोशिश कर रहा था यूँ सामने देखूँ, फिर मैंने क्या किया, बिल्कुल ही रीड किया उसको, वी वेलकम यू ब्ला 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 ब्ला, थैंक यू सो मच, फिर मैं भाग गया और हॉल से बाहर निकल गया। तो अगले दिन से मेरा नाम रह गया चिकन स्टाफ। तो मैं क्या हो गया, मशहूर हो गया, मतलब बुरे एंगल से, ठीक है। अब लोग मुझे चिकन स्टाफ कहने लगे, तो मैं क्लास में जो इंग्लिश बोलता था 2-3 अल्फाज, वो भी मैंने छोड़ दिया। तो मैं क्लास में डर के बैठने लगा, मैं जब सवाल पूछता तो फिर वो जो लड़के थे टॉन्ट करने वाले, तंग करने वाले, सो कॉल्ड दोस्त, बेवफा दोस्त, तो वो क्या कर रहे थे, मुझे टीज़ करते थे, यार तू क्या करेगा, तू क्या बोलेगा, तुमने तो वहाँ इतने लोगों के सामने किचन और चिकन में फ़र्क नहीं किया, तू क्या इंग्लिश बोलेगा, ऐसा करते थे। तो फिर मैं बड़ा मतलब मायूस हो गया उसके बाद, बहुत ही डिप्रेस काइंड ऑफ हो गया, फिर मैं बोलने नहीं लगा। फिर एक दफ़ा क्या हुआ, अब दोबारा वही बात ना, तो अब यहाँ पर आप थोड़ा ब्रेक लगा दें, इससे आगे बढ़ने से पहले मुझे दो बंदे चाहिए, एक फीमेल साइड से एक मेल साइड से, जल्दी जल्दी कोई आ जाओ, हैंड करा करो, कौन कौन आना चाहता है, हैंड रेज करो, कौन, डरो मत, आप आ जाओ, और यहाँ से कोई आ जाए, बोलना नहीं आप लोगों को, कुछ एक्टिविटी है, आप आ जाए, आपको भी तो गुस्सा नहीं आता ना, इनको गुस्सा आता है, आप इधर आ जाओ, अब इधर देखना, एक दूसरे की तरफ इधर नीचे देखो, ठीक है। अब आप मुझे बताओ ये क्या है, 9, आप बताओ, 6 है, तो ये कह रहे 9 है, ये कह रहे 6 है, आप बताओ कौन सही है, दोनों कौन सही है, मैं कौन सही है, दोनों सही, नहीं दोनों कैसे सही है, ये तो 6 है, अब उसके एंगल से देखेंगे, नहीं नहीं आप आपको ये कहना है कि आपको क्या दिख रहा है, मुझे तो 6 दिख रहा है, आपको 6 दिख रहा है, तो ये कैसे सही है, उसके एंगल से सही है ना, सर मेरे एंगल से तो मेरे मतलब देख रहा हूं, चलो लेट्स सपोज अगर ये दीवार पे से लगा होता तब आप कहते ये 9 है, मैं कहता 6 6 है ना, आप क्या कहते, 9 है, अगर ये समंदर के बीचों बीच लगा होता तब क्या कहते, 9, अगर ये मेरे माथे पे लगा होता फिर क्या कहते, 9 कहते ना। तो ये क्या एक्चुअल में क्या है, ये
अब क्या है, कौन सही है कौन गलत है? हाँ सब तालियां बजाओ, मैं गलत हूँ। ठीक है, अगर कोई कहे ये कुछ नहीं है, किसी को सिक्स का नहीं पता, वो क्या कहेगा? पता नहीं। सारे आप लोगों के नाम थैंक यू सो मच, इनके लिए तालियां बजाए, ये इन्होंने बहुत हिम्मत करके आए। आप सब लोग आगे ले जाके हमें वो तो नहीं, डर क्यों रहे हो आप लोग? यही देखो सब डर रहे, आपने सच बोला, अब ये बोल नहीं रहे मैं क्या क्वेश्चन पूछूंगा। मैं खुद वो आपकी फिजिक्स का टीचर थोड़ी हूँ, इज इक्वल टू डैश ऐसा नहीं कहूँगा ना, ये दिखाने का मेरा एक मकसद था। ऑल दो जब मैं घर पे ये कर रहा था तो मेरे भाई ने कहा यार ये क्या कर रहे हो, ये तो बहुत ओल्ड हो गया है। मैंने कहा ओल्ड इज़ गोल्ड ना, तालियां बजाओ इस बात पे, ओल्ड क्या है, गोल्ड है। तो हम सबका एक पर्सपेक्टिव है इस दुनिया को देखने का, मतलब एक बंदा 6 की नज़र से देखता है, दूसरा बंदा 9 की नज़र से देखता है, क्योंकि दोनों ट्रैप है, दोनों गलत है। आपको हम जब भी एक आइडिया को पकड़ लेते हैं तब हम फंस जाते हैं, नहीं इस किताब में जो लिखा है ये सही है, बाकी सब में जो लिखा है वो गलत है। अगर जब हमने ये कहा, एक चीज़ पे स्टैंड लिया हमने, तो हम पूरी दुनिया के क्या हो जाते हैं, अगेंस्ट होते हैं। मैं पर्सनली मेरा ये नेचर है कि आप मुझे कहो ना दुनिया स्क्वायर है, हाँ सही कह रहे हो दुनिया स्क्वायर है, अब कहाँ है बेस, लड़ाई झगड़े है क्या वहाँ पे? अगर मैं उसको वहाँ दिमाग लगा के कहूँ नहीं देखो दुनिया स्क्वायर है, देखो ये देखो, वो कहेगा नहीं तू बकवास कर रहा है, दुनिया तो स्क्वायर है, गोल वो तो स्क्वायर कह रहा ना। तो मैं उससे बेस करूँ, उसको समझाने लग जाऊँ कि नहीं भाई देख ये है दुनिया ऐसी है, तो वो क्या कहेगा मुझे, पागल या बेवकूफ़ कहेगा। हालांकि बेवकूफ़ कौन है, वो खुद है। एक दफ़ा जंगल में शेर और गधे की बहस हो गई, शेर और गधे की बहस हो गई कि दुनिया गोल है। गधे ने कहा दुनिया चकोर है, स्क्वायर है। शेर ने कहा दुनिया गोल है। एक दूसरे की बहुत बहस हो गई। तो उन्होंने डिसाइड किया कि जो वहाँ का लीडर था, जो लीडर बादशाह था, उसके पास जाए और ये मसला पेश करे। वहाँ जाके कहा क्या बताए सच कौन है, तो गधा सच है, गधा सच बोलो। फिर गधा चिल्लाने लगा मैं जीत गया, खुश होने लगा। तो फिर अब एक्चुअल में दुनिया क्या है, एक्चुअल में सही कौन है, शेर, और गधा खुश हो रहा है अपनी बेवकूफ़ी पे। वो चला गया गधा, तो शेर ने पूछा आपने ऐसा क्यों किया बादशाह, कि सही तो मैं था, आपने शेर को उसको गधे को सही क्यों कहा? उसने कहा बेवकूफ़ तुम हो जो गधे के साथ बहस कर रहे हो। समझ रहे हो ये बात, बेवकूफ़ तुम हो जो गधे के साथ बहस कर रहे हो। जो कह रहा है दुनिया में, आपको इसे कोई लेना देना नहीं है। अगर आप लोग मुझे कहो ना ये सर आप बकवास कर रहे हो, मैं कहूँगा हाँ सही कह रहे हो आप, उखाड़ लो मेरा कुछ, यही है ना। अगर आप देखो इस एटीट्यूड से जीने लग जाओ, मतलब आप अगर ये, मैं अगर ये कहूँ यहाँ पे मैं कुछ बोलूँगा वो गलत तो नहीं होगा, कोई मुझे सवाल करेगा मुझे नहीं आया तो, लाइफ इसी का तो पार्ट है, इसी का तो नाम है लाइफ। लाइफ में क्या हर चीज़ का आना लाजमी है, आना लाजमी है, बोलो हाँ या ना, ना। और हर चीज़ आना चाहिए हमको, नहीं मुझे बहुत सारी चीज़ें नहीं पता, पॉलिटिक्स के बारे में मुझे बिल्कुल नहीं पता, मुझे इवन ये भी नहीं पता हमारे इलाके का एम एन ए कौन है, लिटरली अभी भूल गया मैं, ये मेरा इंटरेस्ट नहीं है। तो पहले हमें पता होना चाहिए हमारा इंटरेस्ट क्या है, हम क्या करते हो, पॉलिटिक्स के बारे में भी पता हो, अच्छा फाइनेंस के बारे में भी पता हो, इंजीनियरिंग के बारे में भी पता हो, एक दूसरे से बातें भी करें, आगे सेशन भी चले, हम इशारों में बातें भी करें, सेशन भी चले, सब कुछ हो जाए, ऐसा नहीं होता। तो पहली दफ़ा मेरा करियर शुरू हो गया 2008 में, जब पहली दफ़ा मैंने वर्ड इंजीनियर सुना, पढ़ा, उर्दू की बुक थी हमारी, क्लास 3 में था मैं उस टाइम, उर्दू की बुक में एक लड़की की एक स्टोरी थी और उस लड़की का जो बाप था वो इंजीनियर था, तो उस वर्ड ने मुझे फैसिनेट किया, पता नहीं क्या किया। तो मैंने सोचा यार ये बनना है, ये जो भी हो आगे जाके बनना है। फिर मैं घर गया, अबू मेरे टीचर थे उस टाइम, बाद में रिटायर हो गए, तो मैंने अबू से पूछा अबू ये इंजीनियर बनने के लिए क्या करना होता है? अबू ने कहा बेटा इसके लिए आपको मैथ्स में अच्छा होना होता है। क्या होना होता है? मैथ्स में अच्छा होना होता है। और उसी साल मजे से मेरे 40 out of 40 आए थे, मैंने कहा मैं तो इंजीनियर हो गया, उसी टाइम से मैंने माइंड बनाया कि मैं इंजीनियर बन गया। तो फिर उसके बाद से मैं मैथ्स में अच्छा था, बट मसला ये था कि मेरी कॉन्फिडेंस बहुत ही कम थी, बहुत ही ज़्यादा कम थी, खासकर जब लड़कियाँ मेरे पास आती थी पढ़ने के लिए, मुझे
क्या 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 होता है, मैं ख़ुद बौखला जाता था, डर लगता था। और अगर मैं क्लास में बैठा हूँ, दो लड़कियाँ, अक्सर हमारे तो पता नहीं डीजे स्कूल में क्या मसला था, उधर गांव के स्कूल में दो लड़कियाँ बिल्कुल दरवाजे में यूँ खड़ी होती थी, दरवाज़ा बंद हो जाता था, अब मैं बाहर नहीं जा सकता था। मैं उनको ये नहीं कहता था कि आप साइड हो जाएं, मैं बाहर जाने वाला हूँ, डिस्पाइट द फैक्ट कि मैं उनके साथ 5 साल से पढ़ रहा हूँ, 3 साल से पढ़ रहा हूँ, मैं उनको ये नहीं बता सकता था कि आप बाजी प्लीज़ थोड़ा साइड हो जाए, ये भी नहीं कह सकता था। मतलब एक फियर था, एक डर था। और जब उर्दू की रीडिंग होती, मुझे सर कहता बेटा रीड करो, तो मेरी आवाज़ बहुत ही मोटी हो जाती और मैं बिल्कुल दुपट्टा किसका सबसे लाल है, मैं उस दुपट्टे से भी, टमाटर से भी लाल हो जाता था। मैं टमाटर तो लाल है ना, टमाटर से भी लाल, मतलब बिल्कुल लाल हो जाता था उसका। मेरी जो आवाज़ है वो पाकिस्तान का मतलब क्या, मतलब इस तरह की हो जाती थी। मेरे जो फ्रेंड्स थे और मेरे जो वो, तुम्हारे साथ क्या मसला है, तो उस वजह से मैं बड़ा डिप्रेस था। तो धीरे धीरे जब मैं 7th में आ गया, तो आगा खान हायर सेकेंडरी स्कूल गिलगित, नाम सुना आप लोगों ने, उसका बड़ा जुनून था मेरे में कि मुझे वहाँ जाना है कुछ भी करके। 18 दिसंबर, मुझे डेट भी बड़े याद रहते हैं, इसके लिए भी तालियां बजाओ। देखो मैं अपनी कुछ तारीफ़ करूं तो तालियां तो बजाओ ना, ऐसे ही मैं मुंह उठा के तारीफ़ कर रहा हूं, आप लोग तालियां छोड़ो यार, सर बकवास बातें कर रहे हो, ऐसा तो नहीं करो, थोड़ा मुझे भी अप्रिशिएट करो। और बीच बीच में हंसी मजाक सही है ना, ठीक है, ताकि आप लोग को नींद ना आ जाए, ऐसा ना हो आप मेरे को सो जाओ। तो फिर बड़ा जुनून था कि वहाँ जाना है कुछ भी करके। 18 दिसंबर को मैंने फॉर्म जमा किया था, बल्कि टेस्ट था 18 दिसंबर को, उससे एक हफ्ते पहले सुबह मेरे कज़न्स लोग आ गए, गांव के जितने भी मेरे फ्रेंड्स थे, उन्होंने भी टेस्ट फॉर्म जमा किया है। अब वो बोले मुला मुइज़ आज वो खेलते हैं। मैंने कहा यार बाहर बर्फ है, नहीं नहीं हमने खेत साफ़ किया है। तो मेरे पास बैठा होता था, ठीक है, मेरी अपनी बैठा होती थी, मैं क्या करता था, मुझे अगर वो आउट करे या बैटिंग, मैं बैट लेके जाता था, क्योंकि नहीं नहीं मुइज़ प्लीज़ आ जाओ, बॉल भी होती थी अक्सर, तो बॉल भाई के पास होती थी तो भाई को भी थोड़ा फरियाद करना पड़ता था हमें। तो फिर गया मैं खेलने, खेलते हुए ना मुझे एक मतलब सुकून नहीं मिला, वहाँ पे मज़ा नहीं आया। मेरा जो माइंड था वो उस गोल पे फिक्स था कि यार मुझे ये करना है, 18 दिसंबर को ये टेस्ट पास करना है। तो मैं 20 मिनट बाद वापस घर आ गया, तो बाजी ने कहा ओह क्यों आ गए, मैंने कहा नहीं बाजी मुझे टेस्ट पास करना है, मुझे हायर सेकेंडरी स्कूल जाना है। तो बाजी ने उस टाइम मेरे सर पर हाथ रखा, वो मैं छोटा था उस टाइम, ठीक है, सर पर हाथ रखा और देख लेना तुम टेस्ट पास करोगे, तालियां तो बजाओ। बार बार याद दिलाना पड़ता है, इससे क्या होगा आप लोग खुद इंगेज हो जाओगे, ठीक है, मेरा मसला नहीं, आप तालियां बजाओ ना बजाओ खैर है, बातें तो होती रहेगी, तालियां बजाओगे तो आप लोग खुद क्या होगे जाओगे, एक्टिव हो जाओगे, इंगेज हो जाओगे, ठीक है। फिर हुआ टेस्ट 18 दिसंबर को, और इतनी सर्दी थी कि मेरे हाथ कांप रहे थे, उर्दू में मैंने इतने बड़े बड़े लिखे। फिर बाद में टेस्ट पास हो गया, जब इंटरव्यू का टाइम था, थैंक यू, देखो ज़बरदस्त, टेस्ट जब पास हो गया तो फिर इंटरव्यू शेड्यूल हो गया, ठीक है। इंटरव्यू में इधर ताउस आपने सुना है ना, वहाँ पे इंटरव्यू था, बर्फ थी बहुत, तो इंटरव्यू में मुझसे उन्होंने एक सवाल पूछा, उस टाइम एक ड्रामा होता था तो वो मैं देखता था, बहुत पसंद था मुझे वो ड्रामा, अक्सर 5 के 5:30 पे वो ड्रामा आता था, मैं वो देखता था। तो उन्होंने, और पाकिस्तान का कुछ मैच भी चल रहा था, टेस्ट मैच, ड्रामा बता रहा हूँ मैं, उन्होंने पूछा जी मुइज़ साहब और कुछ ड्रामा श्रामा देखते हो, मैंने कहा जी सर देखता हूँ, अभी रिसेंटली कौन सा देख रहे हो, मैंने कहा सर इस प्यार को क्या नाम दूँ। वहाँ पे क्या खुशी थी, आई गेस खुशी और अर्नव, देखो अभी तक मुझे याद है, सिर्फ वो दो बंदे याद है, वो खुशी थोड़ी बहुत शरारतें करती थी, तो मुझे वो ड्रामा बहुत अच्छा इंटरेक्टिव लगता था। तो फिर वो भी हंसने लगे, उन्होंने कहा इस प्यार को मुइज़ का नाम दो। मैंने कहा ज़रूर सर, अगर मैं आप लोगों ने हायर सेकेंडरी मुझे एक्सेप्ट किया तो मैं वहाँ पर इस प्यार को और भी किसी का नाम दूँगा। मजाक किया, ये नहीं कहा मैंने, ठीक है मैंने ठीक है सर कहा, बस इतना भी ओवर नहीं था मैं, ओवर अब हो गया हूँ। तो वहाँ से निकल गया, उसके बाद जब रिज़ल्ट आया तो मैं वो बर्फ़ पे स्कीइंग कर रहा था, ठीक है। अबू ने बुलाया मुझे कि मैं अभी कॉल कर रहा हूँ। सबसे पहला रिज़ल्ट मुझे, मेरे ख्याल में जितने भी उस टाइम के बेच थी मुझे पता चला था। अबू घर पे बैठा था स्टोव के सामने और मैं इधर गर्म हो रहा था, अब स्कीइंग करके आया हूँ, अब मेरा दिल धड़क रहा है दोबारा, पहली दफ़ा कब धड़का था, सॉरी बाद में कब धड़केगा स्पीच में, अब ये मिक्स तो नहीं हो रहा ना, आप मैच रिलेट कर पा रहे हो ना, 2013-14 में मैंने स्पीच दी थी चिकन स्टाफ वाली, अब ये 2012 हार्ट, हाँ अब 7th में आ गया ना, 7th में टेस्ट दो, 8th में कैसे टेस्ट दूंगा मैं बूढ़ा हूँ क्या। तो फिर जब रिज़ल्ट आ रहा था इंटरव्यू का, अबू ने कॉल की, हमारे एक सर है, बाद में उनसे मैंने मुलाकात भी की, उनको कॉल की कि रिज़ल्ट आया है, मेरा दिल धड़क रहा है,
अब जब भी कुछ ऐसा हो रहा होता है जिसके लिए हमने बहुत कोशिश की होती है और वो जब करीब आ जाए तो डर लगता है, नहीं लगता है? और ये नेचुरल है, ठीक है? मतलब शादी हो गई हो रही होती है तो डर लगेगा ना, अभी अभी बारात निकलेगी, ये होगा वो होगा, ठीक है, डर लगता है। अब जब मुझे घर पे एंगेजमेंट की बात करते हैं, मुझे कहते मुझे डर लगता है क्योंकि ये बिल्कुल ही एक नया स्टेप है। पहले बचपन में तो कहता है शादी करूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा, मतलब जब एक्चुअल में बारी आ जाती है तब हालत ख़राब हो जाती है, ठीक है? आप लोग सिचुएशन जब आता है तो बुरा हाल होता है, इंतहाई बुरा हाल होता है। आप लोग अभी छोटे हो, खैर अभी मसले मसाइल आते होंगे। तो फिर कहाँ था मैं? गुजल स्टॉप के पास हॉल में, स्टॉप के पास। तो अबू ने कॉल की, मेरा दिल धड़क रहा है डब डब। अच्छा सर, वो मेरे एक बेटे ने टेस्ट दिया था, ब्ला ब्ला ब्ला, उसका हो गया नहीं? तो देखो अभी हम रिजल्ट पेस्ट करने जा रहे हैं। अबू ने कहा नहीं, आप देख के बता दो जस्ट लिस्ट में, इसलिए मैं कह रहा हूँ शायद मुझे सबसे पहले पता चला। फिर उसने कहा नाम क्या है? अब मेरी जो हालत हो गई थी, अब वो कहे नहीं है। सोचो अगर ये उस टाइम नहीं है होता मेरी क्या हालत होती, क्योंकि मैंने क्रिकेट भी नहीं खेला उसकी वजह से, जो कि मेरा पसंदीदा गेम था। अब क्या होता? आप लोगों को क्या लगता है, हुआ होगा नहीं हुआ होगा? अच्छा, तो फिर उसने कहा मुबारक हो सर, मुबारक हो, हुआ है, इसी तरह उसकी आवाज़ आई थी अभी तक मुझे याद है, मुबारक हो सर, मुबारक हो आपके बेटे का हुआ है। अबू ने पूछा किस किस स्कूल में हुआ है? दोनों में हुआ है? उसने कहा जी जी सर, दोनों में हुआ है, दोनों में हुआ है। आखान आजकल गाकूच में भी हुआ है, गिलगित में भी हुआ है। फिर मैं बहुत खुश हो गया। लाइफ में मैं सबसे ज़्यादा खुश उस टाइम हुआ था और उसके बाद आज हूँ। दोबारा तालियां, ठीक है? सबसे ज़्यादा खुश मैं उस टाइम हुआ था, उसके बाद अभी के इस मोमेंट में। तो फिर जब टेस्ट हो गया तो अब एक नई लाइफ हमारी शुरू होने लग गई। फिर टेस्ट के बाद, इंटरव्यू के बाद, अब तो एक कंफर्म हो गया ना मैं गिलगित में जाके बैठूंगा। फिर मैं गया गिलगित के हॉस्टल। तो जब हॉस्टल में जब एंटर हो गया मैं, तो अब यहाँ पे थोड़ा बहुत आप सैड हो जाओगे, ठीक है? आपकी इमोशंस थोड़े बहुत, रोने वाला कौन था? आप रो नहीं देना। तो फिर ये हुआ कि जब मैं जा रहा था, क्योंकि उससे पहले मैं घर से कभी दूर गया नहीं, गाँव से कभी गिलगित आया नहीं था, ऐसे आया था मतलब ऐसे घर छोड़ के, जिस तरह लड़कियाँ घर, आप ससुराल कहते हैं अपने घर को, क्या कहते हैं? ससुराल से मायके, क्या होता है, मायके से ससुराल जाती है। मैं भी इसी तरह घर से कहाँ जा रहा था? ससुराल जा रहा था फिट लेके, ठीक है? फिर उस टाइम फिर जब मैं गाड़ी में बैठा तो जो मेरी दादी फैमिली वाले सब थे, वो दे स्टार्टेड क्राइंग, सो विच वॉज़ एन अनयूजुअल थिंग फॉर मी। मतलब मेरे लिए एक नई चीज़ थी, मैंने कभी नहीं देखा था कि हाँ बीमार होना एक अलग चीज़ है, बट इस तरह जाने से भी, सेपरेशन से भी जो पेन होता है, वो तब मुझे पता चला कि जब हम अपनों से दूर जाते हैं तो कितना दुख होता है। दुख होता है नहीं होता है, जब ब्रेकअप होता है कितना दुख होता है, हंस रहे बदमाश बंदा हंस रहा है ना। हर चीज़ में सेपरेशन, मतलब किसी भी चीज़ का एक दूसरे से अलग होना इज़ पेनफुल, वेदर वी एक्सेप्ट इट और नॉट। तो वहाँ पर बहुत दुख हुआ मुझे। तो अमी ने उस टाइम जब वो रोने लगी, तो उस टाइम तो खैर मुझे इतना फ़र्क नहीं पड़ा, मैं छोटा था। फिर मैं जब मैंने वो आगे सुमा साइड, सुमाल साइड, वो जगह नहीं है वो, जब मैंने क्रॉस किया तब मेरे आंसू आ गए। मतलब तब फिर मैं सोचने लगा, रही यार ये तो अब मैं वहाँ जाऊँगा, वहाँ से वापस कब आऊँगा, पता नहीं ये वो। तो उस टाइम मेरे थोड़े बहुत आंसू आ गए, आंसू सुबह नाश्ते की याद आ गई, फिर आंसू आ गए मेरे। तो आंसू आ के फिर गए गिलगित, हम शॉपिंग वॉपिंग कर ली। तो फिर जब मैं हॉस्टल गया, तो हॉस्टल में अबुत को तो रोते हुए मैंने कभी नहीं देखा था लाइफ में। तो मैं इधर, एक रूम थी हमारी, उस रूम में सब बैठे हुए थे, मेरे रूममेट्स 10 थे, मैं 11वां बंदा बाहर था। अबू ने फिर कुछ एक्स्ट्रा कुछ टॉफ़ी भी लाई थी। तो फिर जब मैंने, अबू ने वो मुझे दिया, तो अबू के यहाँ से एक आंसू आ गया ना। तो फिर उस टाइम मुझे लगा कि यार, फिर मैंने कोशिश की कि मैं इग्नोर कर लूँ, बट मैं इग्नोर नहीं कर सका, तो मेरे यहाँ से आ गया, अबू के यहाँ से मेरे यहाँ से। फिर हम दोनों गले मिल गए, तो बाकी जो लोग थे वो हैरान होते, ये क्या हो रहा है? मैंने कहा ये प्यार हो रहा है, ठीक है? तो अबू ने यहाँ पे बोसे दिया मुझे इस तरह। तो फिर उसके बाद अबू चले गए, तो दरवाजे से दरवाजे तक जाते हुए मैं अबू को देख रहा था, फिर अबू ने यू यू किया, फिर चले गए। तो वहाँ से एक नई शुरुआत हो गई। अब जो मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट, अभी तक मैं वही लुल टाइप बंदा हूँ, कॉन्फिडेंस मेरा लो है, शर्म आती है, ये वो। तो हॉस्टल जाने की एक रात पहले ये हुआ कि
अबू ने मुझे कुछ पेंट शर्ट्स ज़्यादा लिए थे, उससे पहले तो नहीं होते थे गांव में, लिटल सी बात है। कभी कभार तो मैं दिन में ना पूरा अपने यूनिफॉर्म स्कूल यूनिफॉर्म के साथ रहता था अबू को सिंबॉलिकली बताने के लिए कि मुझे पेंट ले लो, पेंट आप क्यों नहीं ले रहे। रोता था मैं, खाना नहीं खाता था कि इस ये बात कह के कि आप पेंट ले लो, बट द कंडीशंस वर हार्श एट दैट टाइम। तो ये मेरी जो बातें थी वो गलत थी, बट थोड़ा बहुत मैं समझता भी था, बट ज़्यादा ही अबू अगर इग्नोर करने लग जाए तो मैं रोता था। तो उस टाइम अबू ने पेंट शर्ट ज़्यादा ली, तो कुछ शर्ट्स कुछ पेंट्स। तो रात को मैंने अबू से पूछा, अबू आपने तो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के पेंट लिए और डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के शर्ट लिए, अब मैं किस शर्ट के साथ कौन सी पेंट पहन लूँ? अबू से पूछा मैंने, क्योंकि उस टाइम तक मैंने कभी अपनी चॉइस की कोई चीज़ नहीं ख़रीदी थी। अबू जो मेरे लिए ख़रीदते थे मैं वही पहनता था, अबू जो कलर सेलेक्ट करते थे मैं वही करता था, तो मैं किसी पे क्या था? डिपेंडेंट था। वो चाहे बाप हो या माँ हो या बहन हो या सिस्टर हो या भाई हो या जो भी हो, हम किसी पे डिपेंडेंट हो गए तो ख़त्म। तो उस टाइम क्या हुआ, मैं अबू से पूछा, और मज़े की बात अबू ने ही बता दिया, बेटा ये जो ब्लू शर्ट है इसके साथ पहनो, ग्रीन शर्ट है इसके साथ पहनो, रेड शर्ट है इसके साथ पहनो। और मैं एक साल तक वही करता रहा, न मैं हॉस्टल से बाहर गया न ये किया, मैं वही करता रहा क्योंकि अबू ने बताया था। और मैं चेंज करते हुए भी सोचता था यार ये गलत हो गया, तो अब गलत क्या होना है, गलत कुछ होना है नहीं ना, मतलब जिस शर्ट के साथ जो जैसी पेंट पहन लो, बस शर्त ये कि पेंट पहन लो, ये शर्त है, बाकी तो मसला नहीं है ना। मतलब लोग तो कहते, अब आजकल क्या हो रहा है, अजीब वगरीब पेंट पहन रहे, सामने से जाओ ये क्या है, ये स्टाइल है, फैशन है, फैशन है क्या, बस जोड़ दो, अगर थोड़ा बहुत कमीज़ फटा हुआ है यहाँ से, ये शर्ट फटी हुई है, फैशन है यार ये, अभी पता नहीं कल ही लॉन्च हुआ है, तो इस तरह कर सकते। पर उस टाइम मैं थोड़ा बहुत शर्मीला था, मेरे में अंदर ये कॉन्फिडेंस नहीं थी कि मैं बता सकूँ अबू को कि मैं अपनी मर्ज़ी से करूँगा। तो वहाँ से क्या हुआ, ये डिसीजन मेकिंग वाला सीन शुरू हो गया, क्योंकि अब मैं अकेला था हॉस्टल में, मेरे पास फ़ोन नहीं था, तो अब मैं किससे पूछता, किससे पूछता, अपने आप से। तालियां बजाओ, तालियां बजाओ, इस तरह। अब मैं किससे पूछता, अपने आप से। तब से मैंने क्या किया, फिर खुद से पूछने लगा, मैं फिर बाज़ार जाने लगा, और मेरी चॉइस सबसे गंदी उस टाइम, बड़े बड़े शर्ट्स मेरे इतने बड़े कि अबू ने मेरे माइंड में बैठा था बेटा ये अगले साल के लिए भी होगा, मतलब कोट इतना बड़ा, अभी वो कोट्स अभी भी मुझे फिट नहीं आते अगर वो कहीं तकिए से निकल जाए तो, इतने बड़े बड़े कोट्स। उस टाइम तो मैं सही बाजू भी यहाँ तक आते थे, हाथ मेरे नज़र नहीं आते, ऐसा लगता था जैसे लॉलीपॉप के ऊपर कोई कपड़ा बिठाया लगाया हो आपने। तो ये सीन था। तो फिर मैं उस टाइम, अब वही माइंड था तो मैं कोट बड़े लेता था, बिल्कुल ही सोबर लेता था, फैशनेबल चीज़ें नहीं लेता था, क्योंकि बैक इन द माइंड कौन बैठा था, अबू, बाबा जी, पप्पा जी ना, पप्पा जी मारते तो नहीं थे, बट ये कि अबू ने एक मेंटालिटी बनाई थी, मतलब एक वे ऑफ थिंकिंग बन चुकी थी, तो उसके अगेंस्ट मैं कुछ भी करता वहाँ क्या लगता, मुझे डर लगता। तो ये जो कंडीशनिंग है इसको ब्रेक करना बहुत लाजमी है, हमें ये देखना बहुत लाजमी है कि हम किसकी मर्ज़ी से जी रहे हैं अभी राइट एट द मोमेंट। आप सब, आप में से 98% लोग अपनी मर्ज़ी से नहीं जी रहे, गारंटी दे के कहता हूँ मैं, सच है झूठ है, ये क्या कहेगा, वो क्या कहेगा, बाजी क्या कहेगी, बाजा क्या कहेगा, आंटी क्या कहेगी, आंटा क्या कहेगा, ऐसा होता है ना, चाची क्या कहेगी, दादा क्या कहेगा। तो हम सब की लाइफ में कोई गवर्निंग फोर्स है जिसके बेस पे हम एक्ट कर रहे होते हैं। बट जब मैं हॉस्टल गया ये चीज़ ख़त्म हो गई ना, अब मैं मर्ज़ी का मालिक हो गया, सुबह जल्दी उठो, आराम से उठो, हाँ सिर्फ सुपरिंटेंडेंट से बच के, बाकी अपनी डिसीजंस क्या करना होता था, फिर अपने रूम की सेटिंग। अब देखो छोटी छोटी डिसीजंस है, ये लगने में आपको छोटी बातें लग रही है बट ये बहुत ही डीप बातें हैं अगर आप समझ लो तो। मतलब पहले स्टार्ट हो गया अपना बेड सेट करना, ऐसा नहीं कि सुबह उठे हाँ घर के निकले हो, बेड इधर कंबल पड़ा हुआ है, तकिया यूँ हो के पड़ा हुआ है, तकिया कह रहा है अरे मुझे तो सेट करो, हमने लोगों को सेट नहीं किया आपको क्या सेट करेंगे, ऐसा नहीं। तो वहाँ से शुरू हो जाते, आपके बेड से ही डिसीजन लेना शुरू हो गया मेरा। तो मैं सुबह उठा, मैं अपना कंबल पैक करता था, कंबल पैक करके रूम को झाड़ू मारना, ये अब मेरे अपने डिसीजन हो गए ना, किसके बेस पे ले रहा हूँ मैं, खुद ले रहा हूँ, कैसे किससे सीख रहा हूँ, खुद से अपने माहौल से सीख रहा हूँ, सिखा नहीं रहा माहौल। ऐसे भी लड़के थे जो सोते रहते थे, बस यूनिफॉर्म के साथ भी सोते थे, उन्हीं के साथ हर जगह पे जाते थे, खेलते भी थे, बस नहाते उनके साथ नहीं थे, बाकी सब कुछ उन्हीं के साथ ही करते थे। बट माहौल से सीखना होता है, माहौल सिखाता नहीं है, माहौल से सीखना होता है, ये बात भी नोट कर लो, माहौल से सीखना होता है, सिखाता कुछ भी
मैं आपको सिखा नहीं सकता, आपको सीखना पड़ेगा। अगर आप लोग 6 की नज़र से आए हो तो आपको 9 भी देखना पड़ेगा। आप लोग 6 की नज़र से आए हो तो 9 भी देखना पड़ेगा, क्योंकि एक ही माइंड से जब आप देखोगे चीज़ों को तब तो सारे मसले नज़र आएंगे। आप लोग 6 भी सही है, 9 भी सही है, अब बताओ, अब मेरा कुछ उखाड़ लो। अगर मैं कहूँ 6 भी सही 9 भी सही, अब मेरे साथ कोई बहस कर सकता है? मतलब मैं ये जो बातें कर रहा हूँ मैं भी सही हूँ, आप लोग जो बातें करो आप भी सही हो, अब बताओ, अब मेरा कुछ उखाड़ लो, ख़त्म ना। तो बहस की शुरुआत ही ऑपोजिट से होती है, जो आप कहते तो नहीं मैं प्यारी हूँ, सामने का नहीं तू प्यारी नहीं है, नहीं मैं प्यारी हूँ, नहीं प्यारी नहीं है, अब बहस कर रहे हो ना। मतलब बहस करना इन इट सेल्फ इज जो ब्यूटी को क्या करता है, डिमोलिश करता है। आपको हाँ मैं बहुत ही बदसूरत हूँ भाई, मुझे खुद अजीब सा लगता है, ख़त्म। वो क्या कहेगा सामने वाला, कुछ कह सकता है वो? नहीं ना। अब बताओ मैं कहाँ था? बेड सेट करने, उसके बाद मैं फिर बेड सेट उठा था अभी, तो उसके बाद मैं शर्ट्स भी मैंने खुद अपनी मर्ज़ी से लेना शुरू किया। फिर जो उसके बाद जो मेरा करियर था वो बिल्कुल ही अलग डायरेक्शन में चला गया। तो जब 9 के बाद ये मैंने गलती की थी, अब मैं वहाँ पहुँच गया हूँ। जब मैंने सेशन वाली गलती की थी तो पहली दफ़ा मैंने मैट्रिक, फिर उसके बाद जब मैंने मैट्रिक कर ली, मैट्रिक के बाद एक बुक थी, एक नावल, यू कैन विन नाम से, ठीक है? आप लोगों ने सुनी है वो, उस बुक का नाम सुना है? नहीं सुना है, क्यों? कलमंदो तालियां बजाओ अपने लिए, शाबाश, ये शाबाश है, ठीक है? तो वो बुक जब मैंने पढ़ ली, उसके स्टार्टिंग 4 पेजेस, अब यहाँ पे हम आ रहे हैं कि मेरी लाइफ कैसे चेंज हो गई। जब मैंने वो 4 पेजेस पढ़ लिए तो मेरे अंदर से एक आवाज़ आ गई कि मैं सेशन क्यों नहीं रख रहा, खुद से पता है? मतलब मैंने कोई सोचा नहीं था, मैं मैट्रिक में कौन है यहाँ पे, बस इन जितना था मैं, आप जितना। आप लोग तो फिर भी माशाल्लाह से थोड़े हेल्दी लग रहे हो, लंबे लग रहे हो, मैं तो उस टाइम बहुत छोटा था, ठीक है? मैट्रिक के बाद मैंने ये जो मेरा फ्रेंड है इब्रार, इनको बुलाया, मैंने कहा यार मैं सेशन रखना चाह रहा हूँ, उसने भी हाँ कर दिया। तो अक्सर ऐसे कि पागलों वाले कामों में अक्सर दोस्त ही साथ देते हैं, ठीक है? ये बात याद रखो, ऐसे पागलों वाले काम में भाई साथ नहीं देगा, दोस्त साथ देगा, ठीक है? दोस्त क्या कहता है, चल करने दे, देखते क्या होता है। फिर वहाँ पहली दफ़ा जब मैंने बुलाया, 82 बंदे आ गए उस टाइम गांव में ही, ये मेरा अपने गांव में ही था, ठीक है? वो 82 बंदे आ गए मेरे सामने बैठे। अब वहाँ दोबारा मेरा दिल डब 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 कर रहा है, धड़क रहा है, मेरा दिल ऐसे लगा जैसे सामने दीवार के साथ लग के वापस आ रहा है, बिल्कुल एक क्रिकेट गेम की तरह मज़ा आ रहा है, ठीक है? तो फिर वहाँ भी बड़े लोग थे, मतलब मुझसे बड़े थे, उस टाइम तो बहुत बड़े बड़े आए थे, मुझे डर भी लगा यार मार ना दे मुझे मारने। फिर मैंने बिस्मिल्लाह करके शुरू किया, पहले मेरी आवाज़ थोड़ी बहुत बैठ गई, धीरे धीरे एक नेचुरली मेरे अंदर, मतलब एक ऐसा लगा जैसे मैं कि ये मैं पहली दफ़ा नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये चीज़ मेरे अंदर नेचुरल था। मतलब मेरे वालिदैन जो है वो यही प्रीचर्स का काम करते हैं ना, ये स्पीचेस देना, सेशंस लेना, वो सेशंस तो बहुत तो नहीं लेते, मैं लेता हूँ, मतलब ये वाज़ करना, क्योंकि वो खलीफा फैमिली से बिलोंग करते हैं तो वो प्रीचिंग करते थे, लोगों को रिलीजन सिखाते थे, दूसरी चीज़ें सिखाते हैं, तो ये सिखाने वाला चीज़ मेरे अंदर नेचुरल था, बट वो डिस्कवर करना बाकी था। डिस्कवर कैसे हुआ, एक बुक के 4 पेजेस पढ़ने से। तो कुछ बड़ा करना है ना तो 10 पेजेस पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप में कुछ है तो 4 पेजेस से भी हो सकता है, अगर नहीं है तो 1000 बुक से भी कुछ अच्छी। जब देखो जब अच्छी अच्छी बातें हो ना तब तालियां बजाया करो, इससे आप खुद इंगेज हो जाओगे, ठीक है? आपको नींद नहीं आएगी, ऐसा हो मैं ऐसे नींद आए मैं कहूँ खुदा हाफिज़, आपको ख़त्म हो गया सेशन, हाँ आप तो सोए थे, आप नींद में क्या देख रहे थे? तो फिर कहाँ आया था मैं, हार्ट बीट ना। अब धीरे धीरे मेरा जो रिदम था वो नेचुरल होने लगा, मुझे मज़ा आने लगा। तो वो सेशन कोई 40 मिनट का सेशन था, 40 मिनट मैंने कंटिन्यूसली बात की, पहली दफ़ा जब मैं मैट्रिक में था। अब आप लोग कौन सी क्लास, अब आप बताओ, को मैं गलत हूँ, आप लोग गलत, क्यों नहीं बोल रहे आप लोग? मैट्रिक में होना सारे, शर्म किस बात की? आपको पता है ना ये सारे शर्माने वाले हैं, तो शर्माना किस बात का? शर्माने वालों से शर्मा रहे हो, ये तो गलत बात है ना। जो खुद शर्म, जिसको खुद शर्म आती है उससे क्यों शर्माते हो, ऐसा होगा ना? शर्म आती है, क्यों शर्म आती है? कभी पूछा है खुद से क्यों आती है? पता नहीं हम, क्योंकि सेल्फ कॉन्शियस है, सामने वाला यार हम कुछ कहे तो वो कुछ गलत तो ना कहे ना, ये सामने वाला कुछ इसको बुरा ना लगे, इस डर से हम क्या करते, बोलना ही छोड़ देते हैं। फिर वो सेशन लिया,
तो उसके बाद से मैं थोड़ा हिट होने लगा गाँव में, गाँव में अब सर के नाम से बुलाने लगा। तो फिर मेरी चाची का लेडीज़ शॉप है ना, तो चाची एक सर पूछती रहती यार मुइज़ ये लड़के आगे पूछते हैं मुइज़ सर है क्या मसले में का, मैं चाची को गलत बात नहीं है मैं उनका सर हूँ। आप गलत नहीं समझना ठीक है, मैं चाची से कहता चाची आप गलत एंगल से नहीं देखो ये मैं उनका सर हूँ ठीक है, बुलाया भी करो कभी मैं उनको उनको मुझे ठीक है। एनी वेज तो फिर एक मेरी एक और चाची आगे वो कहेगी वाह 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 कहा ना मुझे, क्या हुआ चाची तुम्हारी बड़ी तारीफ़ें हो रही है बाहर को महल में छा गए हो हिट हो गए हो। चाची मैंने कुछ गलत काम तो नहीं किया? नहीं नहीं लड़कियाँ तुम्हारी तारीफ में, अच्छा फिर तो सही बात बताओ क्या कर रही है। लड़कों का तो खैर है वो तो करे ना करे, लड़कियाँ करे ये लाजमी बताओ क्या कह रही है। अब मैं चाची से पूछ रहा हूँ, चाची बता रही देखो मुझे सर इतने छोटे ये बातें कर रही है वो ये वो, तो मुझे मतलब अच्छी लगती, तारीफ किसको बुरी लगती है, किसको लगती है बुरी, अच्छी लगती है। हाँ तारीफ अच्छी लगना खुश क्या होता है, खुशामद बुरी लगती है, कोई झूठ बोल गए हाँ क्या बात है भाई हाँ करके कर देना यहाँ से थप्पा मार के फिर भूल जाते आगे निकल, ये बुरा लगता है। बेटा क्या हाल है, कैसे देखेंगे भी नहीं बेटा क्या हाल है, अबे मेरी तरफ तो देखो भाईजान, ऐसे लोगों से मिलना भी मुझे अच्छा नहीं लगता। तो फिर अब क्या हो गया, मेरा जो माइंड था मेरा जो मेंटालिटी थी वो बिल्कुल ही अलग डायरेक्शन में चलेगी, कि मेरे अंदर जो टैलेंट था वो मैंने कब डिस्कवर किया, मैट्रिक मैट्रिक के एग्ज़ाम्स के बाद, तालियां आपको याद रहे ज़बरदस्त। तो मैट्रिक के बाद मैंने अपना टैलेंट डिस्कवर किया कैसे, एक किताब की चार पेजेस पढ़ के। तो आपके अंदर कोई टैलेंट है तो अब क्या करना पड़ेगा उसके लिए, उसको ढूंढने के लिए कुछ चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी, कुछ लोगों को सुनना पड़ेगा और कुछ देखना पड़ेगा, इन्फॉर्मेशन लेनी होगी कि दुनिया में टैलेंट किस किस टाइप के होते हैं। टैलेंट को अगर शॉर्ट वर्ड में मैं कहूँ तो इंटरेस्ट, कुछ ऐसा काम जिसमें जाके आपको न पास्ट की फिक्र हो न फ्यूचर की फिक्र हो, उसी मोमेंट में आपको मज़ा आ रहा हो। कोई है तो वो बेटा हाथ खड़ा कर रही है यूँ कर रही है, नींद आ गई आपको, पानी पी सकते हो ठीक है आप, और हाथ मुँह धोना है तो आप लोग बगैर पूछे भी जा सकते हो ठीक है बच्चा लोग। तो फिर उसके बाद मेरी जो माइंड थी मेरी जो मेंटालिटी थी वो बिल्कुल ही अलग डायरेक्शन में चलेगी। अब मैं बनने वाला क्या था, इंजीनियर। अब मुझे ये नहीं पता कि इंजीनियरिंग में कौन सा इंजीनियर बनना है, किस किस टाइप के इंजीनियर होते हैं। फिर मैंने क्या किया, मैट्रिक में के बाद फर्स्ट ईयर में विदाउट किसी से पूछे मैंने प्री इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया। उसमें लेने के बाद मेरा कज़न था, उन्होंने कहा मुइज़ कहा मुझे, मैंने कहा हाँ बोलो, उन्होंने कहा अगर तुम फर्स्ट ईयर में इतने परसेंट नहीं ला सकते तो इंजीनियरिंग नहीं लो। तो मैं डर गया, बहुत डर गया, क्योंकि सबसे सुना था फर्स्ट ईयर बहुत मुश्किल है, ये है वो है, पढ़ाई नहीं हो सकती, पढ़ा नहीं जा सकता, क्योंकि उस टाइम मैं हॉस्टल में था, अब मैं हॉस्टल से घर आया हूँ, तो सब यही कहते थे कि यार फर्स्ट ईयर मुश्किल है। डर गया मैं, डर उस डर की वजह से अब मैंने क्या किया, अब देखो डर लगना लाजमी है, बट डर के अगेंस्ट या तो हम बिल्कुल ही डर के छुप सकते हैं या तो उस डर का आ जा डर मुकाबला कर हमसे, डर के आगे जीत है, उसके लिए माउंटेन ड्यू का होना भी लाजमी है और बाइक का होना भी लाजमी है, क्योंकि बाइक नहीं है तो वो पहाड़ से नीचे गिरेगा ना, वो पहाड़ से ऊपर जाता है ना। खैर तो फिर मैं अब सोच रहा था कि मैं इंजीनियर बनूंगा, पर मुझे एग्जैक्ट नहीं पता था कि कौन सा इंजीनियर बनना है। अब ये जो बात थी वो एक इंस्टिंक्ट थी, ये कोई मेरा डिज़ायर नहीं था, जो कि मुझे कब पता चल गया, जब मैंने जॉब शुरू की। देखो मज़े की बात, क्लास थ्री में मैं क्या बनना चाहता था, और जब मैं 16 साल बाद इंजीनियर बन गया तब मुझे क्या लगा कि ये तो क्या हो गया, ये तो मुझे मज़ा ही नहीं आ रहा, अब क्या करें हैं, अब क्या करें सच ज़बरदस्त। तो फिर मैं जब मैट्रिक पे फर्स्ट ईयर में आ गया और मैंने फिर वो जो कज़न ने मुझे कहा कि अगर तुम इतने परसेंट नहीं ला सकते तो इंजीनियरिंग नहीं करो, फिर मैंने बहुत मेहनत की, बहुत मेहनत करने के बाद मतलब मैं कल का जो लेक्चर था वो भी आज पढ़ता था, मतलब इतना मैं एक्टिव हो गया था उस टाइम। फिर मैंने अच्छे मार्क्स लाए, फिगर्स में बताना अच्छा नहीं है मेरे ख्याल, बता दूँ नहीं, अच्छे मार्क्स आ गए मेरे 85.8 उस टाइम 2000 कब में, 17 में 16 में फर्स्ट ईयर, 17 में सेकेंड ईयर। फिर सेकेंड ईयर में थोड़ा मैं ढीला बीला हो गया, ढीला डाला हो गया, थोड़े बहुत कम आ गए, मतलब काफ़ी ज़्यादा कम आ गया, 86 से डायरेक्ट 76, और एग्रीगेट मेरा फिर भी अच्छा बना 81,
तो उस टाइम बहुत मतलब ज़्यादा थी, पर मुझे पता नहीं था क्या क्या करना है, कौन सी यूनिवर्सिटी का टेस्ट कैसे देना, बिल्कुल नहीं पता था। बस मुझे एक चीज़ मेरे जहन में बैठा दी गई थी कि इंजीनियर बनना है। तो मैं और ये इधर उस टाइम पिंडी में थे मेरे जो फ्रेंड है, और मैं इधर गिलगित में। और 8 जुलाई को मेरी चाचू की शादी थी 2017, 16 जुलाई को मेरा टेस्ट था। मैं चाचू की शादी में मस्जिद से नाच रहा हूँ, 16 को मेरी मुस्तकबिल का सवाल है। अब देखो मतलब मज़े कर रहा था मैं कह रहा छोड़ो हो जाएगा। तो मैंने शादी में डांस वांस कर लिए, वो 9-11 को मैं गांव से निकल गया, फिर मैं पिंडी पहुंच गया, पढ़ाई थोड़ी बहुत कर ली, पता भी नहीं था कि पढ़ना कैसे है, ये भी मसला था। तो आप लोगों को एक चीज़ पता होना बहुत लाजमी है, अगर इंट्रेंस की बात करो तो आपको ये लाजमी होना चाहिए कि इस इंट्रेंस के लिए किस तरह पढ़ाई की जाती है, कौन कौन से चैप्टर ज़्यादा आते हैं, इस इंट्रेंस में कौन से ज़्यादा आते हैं। समझ गई ये बात, ये करियर के हवाले से हो गया ना, कि किसी भी इंट्रेंस को क्रैक करने से पहले आपकी परसेंटेज के बाद जो चीज़ मैटर करती है वो ये इन्फॉर्मेशन कि आपको पता है कि नहीं इस इंट्रेंस के लिए, एग्जामिनेशन के लिए या CSS के लिए जो भी टेस्ट हो उसके लिए पैटर्न क्या है। मुझे पैटर्न का नहीं पता था, मैं इधर मैट्रिसेस के बड़े बड़े सवाल सॉल्व कर रहा हूँ, वहाँ छोटे छोटे उठा के दे रहे हैं। तो बग़ैर तैयारी के लिटरली विद ज़ीरो प्रेपरेशन मैंने NUST की टेस्ट दी, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की। तो फिर टेस्ट दिया, फिर मैं अब कराची जा रहा हूँ NED का टेस्ट देने। NED सुना है ना, नेशनल उसका नाम NED का फुल फॉर्म अजीब सा एक बंदे का नाम है, UET कर रहा हूँ, ठीक है, NED UET है वो, यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, जो कि गवर्नमेंट सेक्टर में है, और ये जो दूसरी चीज़ है ये प्राइवेट सेक्टर या सेमी गवर्नमेंट जो भी कहो। तो पहले NUST का टेस्ट दिया, अब मैं ये कहाँ जा रहा हूँ, कराची, 19 जुलाई को मैं कराची जा रहा हूँ, 19 अगस्त को मेरा टेस्ट है। अब मैं बस में था, ठीक है, वो मोटरवे पे अकेला था। तो फिर मुझे पीछे से कॉल आ गई, मेरे कज़न ने कॉल की कि अब मुझे इंजीनियरिंग करनी है ना। अब मुझे उस टाइम पता चल गया था कि मुझे सिविल इंजीनियरिंग करनी है, सिविल का पता है ना, वो क्या करता है, कंस्ट्रक्शन, वो टक टक करके नहीं करता, ठीक है, या मैं बिल्कुल तो लगा के वो नहीं करता, वो क्या करता है, ड्राइंग्स देख के फिर सिखाता है उनको। तो जब मैं गया, बस में था, तो पीछे से मुझे कॉल आई कि इधर, ठीक है, आप लोग इधर देखो, दुनिया चलती रहेगी, ठीक है, दुनिया इस तरह परिंदे आते रहेंगे, ये होगा वो होगा, आप लोगों ने माइंड डाइवर्ट नहीं करना है, माइंड डाइवर्ट करो एकदम से। उसने किस तरह के कपड़े पहने हैं, सबसे महंगे कपड़े किसने पहने हैं, और किसका मेकअप सबसे अच्छा लग रहा है, ये चीज़ें होती रहेंगी, दुनिया ऐसी है, अब इनको नहीं देखना है किसका मास्क अच्छा है। आजकल तो ये देखा जा रहा है, मास्क कंपेयर कर रहे हैं, देखो मेरे मास्क मेरे कपड़ों जैसा है, मेरा मास्क मेरे शर्ट जैसा है, ऐसा होता है ना, ठीक है। तो मैं कहाँ हूँ, वो बस में, मशहूरों के बस में। तो मैं एक जगह से जा रहा था वीरान, बिल्कुल नेचर को भी इंजॉय नहीं कर पा रहा था ना, क्योंकि मेरा स्टक था बैक इन द माइंड, मुझे लग रहा था कि मेरा टेस्ट अच्छा हुआ है तो मेरी स्कोर अच्छी आएगी, बट स्कोर अप टू द मार्क नहीं आई, जो मुझे सिविल इंजीनियरिंग सीट के लिए चाहिए थी वो नहीं आ गई। तो 123-125 कुछ मार्क्स आ गए। तो मेरे कज़न ने कहा यार नहीं हो सके, नहीं कर सकेगा मुझे, और अगले दिन उसने खुद 118 नंबर लिए। मुझे कहा नहीं ला सके हो, मैंने कहा हाँ तुमसे तो 6 नंबर ज़्यादा लिया है ना। तो फिर उसके आधे घंटे बाद AKU का रिज़ल्ट आ गया, और उसमें भी मतलब 86 से 76 सेकेंड ईयर में लाना, और एग्रीगेट में 81 पे लाना, बहुत डिक्लाइन है ना, ये डाउनफॉल है कि नहीं। तो मेरे जो भी दोस्त थे, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, मुझे मैसेज कर रहे हैं मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, खुद से उम्मीद रखो ना मुझसे उम्मीद रखने से पहले। तो फिर खैर बड़ा डिसर्टिंग था, अगर मेरे पास कोई होता तो शायद मैं अपनी दास्तां उसको सुनाता, कोई होती तो और भी अच्छा होता, कोई नहीं था, मैं अकेला था। तो फिर मैं अपना जो दुखी हो गया, मैं चला गया वहाँ से, बस मुझे कुछ पता नहीं है मैं क्या हो गया, ये हो गया। रास्ते में एक बंदे ने इतना सा दाल खिलाया, उसके भी 600 रुपये चार्ज किए, अब मैं भी बहस भी नहीं कर पाया। मैंने उसने कहा बेटा सर आपने तो पहले अब बताया पूछा नहीं, अब मेरी गलती थी, मैंने कहा चलो 600 ले लो, खुदा तुम्हें नर्क में डाले। तो मैंने दे दिया उसको। तो मैं गया कराची, तो कराची जाके अब मेरा जो ऑप्शन था वो मुझे बस ये टेस्ट करना है। तो बहुत ही मैंने मेहनत की, बहुत ज़्यादा मेहनत की, जुलाई की गर्मी में कराची में, तो राउंड अबाउट मेरा 2-3 kg वेट भी कम हो गया। फिर उसके बाद मैंने जब टेस्ट दिया तो उस टेस्ट में 6 मार्क्स आ गए, फिर गवर्नमेंट सीट पे मेरी नॉमिनेशन हो गई उस सीट के लिए जो मैं चाह रहा हूँ। मतलब अभी तक देखो, अभी तक क्या हुआ है मेरी लाइफ में, वही हुआ है जो मैं
चाहता था, हुआ है ना। तो मुझे लगा अब शायद बढ़िया हो, सिविल इंजीनियरिंग में गया हूँ यार भाई, यू करते हो स्टेटस दिया है आई गॉट लास्ट ईयर दिस दिस दिस, आई गॉट रिजेक्शन फ्रॉम दिस बट नाउ आई एम गेटिंग वन आउट ऑफ द टू सीट्स इन सिंध मैन यूनिवर्सिटी, मेहरान यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। खुद अपनी तारीफ थोड़ी बहुत करके और वहाँ से कॉन्ग्रेचुलेशन आ रहा है और मैं हर एक को रिप्लाई दे रहा हूँ थैंक यू थैंक यू थैंक यू, पागलों वाले काम ना। डीपी पे जब कमेंट करता है कोई थैंक यू हर एक को रिप्लाई देते हैं, इतना टाइम है हमारे पास। देखो थैंक यू से ना उसको कुछ फ़र्क पड़ने वाला है ना आपको कुछ फ़र्क पड़ने वाला, ऐसे ही थैंक यू कितने कमेंट्स आए, बार बार रिफ्रेश कर रहे होते हैं। देखो मेरे लाइक्स 399 है और मेरे 420 है, 420 है नहीं नहीं 421 है, ठीक है। तो ये चीज़ें क्या है, बहुत ही फ्रेजाइल है, टेम्पररी है। वो जो लाइक कर रहा है उसको ये भी नहीं पता वो आपकी डिस्प्ले पिक्चर को लाइक कर रहा है, वो जैसे देख रहा है। कभी कभी ऐसा होता है कि आपने किसी के कुत्ते को भी लाइक किया और उसने आपकी प्रोफाइल पिक्चर को लाइक नहीं किया, होता है ना ऐसा। मतलब आपने कहा नहीं नहीं है तो मेरी फ्रेंड है मैं इसकी लाइक करता हूँ, हर तस्वीर लाइक की, उसने आपकी डिस्प्ले पिक्चर पे कुछ नहीं कहा, फिर आप मैसेज करो देखो आपने मेरी पिक्चर पे कमेंट नहीं किया, होता है ना ऐसा। तो ये चीज़ें बहुत ही फ्रेजाइल है। तो जब मैं वहाँ से मैंने एडमिशन ली, जब मैं मुझे ये नहीं पता था सिविल इंजीनियरिंग, अक्सर मैं फेसबुक पे पोस्ट पढ़ता था ना वो बड़ा ट्रोल करते थे सिविल इंजीनियर्स को, सिविल इंजीनियर्स मैकेनिकल इंजीनियर्स माइनिंग कुछ स्पेसिफिक फील्ड्स है इनको ट्रोल करते थे, मुझे पता नहीं था क्यों ट्रोल करते हैं। जब मैं क्लास में गया, मंडे का दिन था, C++ की 3 घंटे की एक वो थी लैब थी, अंदर बैठा मैं देख रहा हूँ लड़कियाँ कहाँ हैं, मैं पूछ रहा हूँ खुद से ये लड़कियाँ कहाँ हैं, सारे लड़के आ रहे हैं, मैं परेशान ये देख रहा हूँ देख रहा हूँ, सिर्फ 2 लड़कियाँ थी आउट ऑफ 40। फिर मैंने अपने दोस्त से पूछा लड़कियाँ दूसरे सेक्शन में हैं, उसने कहा यार क्या हो गया है तुम्हें। उस नाइट, उससे पहली नाइट मेरी जो सीनियर्स थे गिलगित के, वो मुझे बाहर ले गए थे खाना खिलाने, कुछ पार्टी थी, ठीक है। उन्होंने, उनमें से एक सीनियर ने मुझसे पूछा तुम्हें क्या लगता है क्लास में लड़कियां कितनी होंगी। मैंने भी बड़ा कॉन्फिडेंट होकर कहा आप बताओ स्ट्रेंथ क्या होती है। तो उसने कहा तुम लोगों की 4 सेक्शंस हैं और उसमें जो स्ट्रेंथ होती है 160 होती है। तो मैंने कहा इस तरह है तो 80 तक बॉयज़ होंगे बाकी, सॉरी 90 तक बॉयज़ होंगे बाकी 70 गर्ल्स होंगी। वो हंसने लगा, उसने कहा ज़बरदस्त यार क्या गेस है तुम्हारा। फिर अगले दिन जब मैं 2 लड़कियों को, अब मुझे दुख इस बात का नहीं हो रहा है कि सिर्फ 2 लड़कियां, दुख इस बात का हो रहा है कि यार मैं अब उस सीनियर के सामने कैसे जाऊंगा। फिर रात को मैं वापस आ गया, उस सीनियर ने कहा हाँ कैसा रहा, मैंने कहा मज़ा आ गया। उसने कहा 70-90 कुछ नज़र आया, मैंने कहा नहीं। उसने कहा सिविल इंजीनियरिंग में ऐसा नहीं होता। तो वहाँ मैं कहा यार ये तो गलत बात है, क्योंकि जो हमने इमेजिन किया था जो ड्रामों में देखा था कि यूनिवर्सिटी में ये होता है वो अक्सर यूनिवर्सिटी में होता है बट सिविल इंजीनियरिंग में नहीं होता। वो कॉमेडियन है ना, वो कहता है कि हमारी जो बैच में लड़कियों का जो की जो तादाद थी वो माइनस में थी, किस में थी माइनस में थी। तो इस तरह की चीज़ें फिर ये हो गई कि वहाँ पे भी कुछ टाइम थोड़ा स्टेबिलिटी नहीं आ गई, मन नहीं किया पढ़ने के लिए, फिर जुनून आ गया, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी अच्छी पढ़ाई होती थी कभी बुरी पढ़ाई होती थी। तो हर एक की नज़र में हम अच्छे नहीं बन सकते। एक दफ़ा मेरा एक टीचर था उसी सेमेस्टर के एंड में, उसने बड़ी तारीफ़ की मेरी कि देखो ये बड़ा लेट आया था इसने, मैं गया भी थोड़ा लेट था क्लास, तो उस गए इसने मेहनत की ये वो। फिर बाद में एक और टीचर अगले उसमें सेमेस्टर में, मुझे नहीं पता था क्लास में टेस्ट है, मैं और मेरा दोस्त पानी पीने गए थे, वापस आए देखा तो 2 सवाल लिखे सर ने बोर्ड पर। मैंने कहा सर क्या क्या सीन है, क्या है ये, कोई टेस्ट है? जी बेटा टेस्ट है, जाओ उधर बैठो, बड़ा सीरियस टाइप का था। तो मैं बैठा, मैं फ्रंट रो में बैठता था, तो मैं नाम लिखा, मैंने रोल नंबर लिखा, सवाल लिखा और मैं बैठा था, ऐसे ही बैठा था मैं, मुझे मैंने पढ़ाई नहीं की थी मुझे नहीं आता था। तो सर मेरे ऊपर आ खड़ा हो गया और उसने कहा छा हो छा थीन दो, मतलब सिंधी में ऐसा पूछते ना क्या कर रहे हो बेटा, कहो छा थीन दो बेटा कहा उसने। मैंने कहा सर सॉरी मैंने प्रिपरेशन नहीं की, मैं फाइनल्स के लिए तैयारी करूँगा। अब मेरा जो दोस्त वो हंस रहा है साइड में, तो उसने कहा फिर मुझे कहने लगा कि आप गिलगित के होना, मैंने कहा जी सर। उसने कहा देखो दूसरी एक यूनिवर्सिटी है वहाँ पे जो लड़के हैं वो पढ़ते हैं, इस हॉस्टल में सारे लफंगे रहते हैं, तुम भी लफंगे बन गए, इस तरह मुझे कहने लगा। तो मुझे हंसी आ रही थी अंदर ही अंदर। फिर उसने कहा बेटा पढ़ोगे के, फिर वो चला गया। तो उसके बाद से ये हो गया कि कहने का मकसद ये है कि हमें हर कोई अच्छा नहीं कहेगा और हर कोई बुरा भी नहीं कहेगा। तो वो हो गया, उसके बाद जब मुझे डिग्री मिल गई तो मेरा फाइनल स्टेज, आप बस से 5 मिनट मज़ीद मैं आप लोगों के साथ सामने बकवास करूँगा, ठीक है। तो जब मैं डिग्री मिल गई तो उसके बाद फिर CVs लेके मैं गया काफ़ी जगहों पे, CV का पता है ना करिकुलम वीटा जो भी हो,
तो एक जगह मैं गया, कंपनी में सीवी जमा की, नीचे आ गया तो एक गार्ड मिला मुझे। उसने कहा बेटा क्या जॉब के लिए आया? मैंने कहा जी अंकल जॉब के लिए आया हूँ। उसने कहा वहाँ देखो बोर्ड पे कुछ लिखा हुआ है, कुछ लड़के लड़कियों की नीड है कुछ जॉब के लिए, वहाँ जाके वो पढ़ो। वो बोर्ड पढ़ने का मुझे बहुत हंसी आ गई। उस पर लिखा था कि जोंग की सिम भेजने के लिए एक लड़के और एक लड़की की ज़रूरत है। मैंने ये 16 साल सर दर्द पढ़ाई कि अंकल आप मुझे सिम भिजवाओगे, सिम ले लो, सिम ले लो, जो की सिम ले लो, 10 GB डेटा के साथ सिम ले लो, ये कराओगे आप मुझसे? तो बड़ी हंसी आ गई। उसके बाद जब मैं अपने फ्रेंड से मिला तो फिर जॉब की मैंने 2-3 महीने, मुझे मज़ा नहीं आया। फिर मैं बेरोज़गार जो जिस टाइम था, उस टाइम बहुत प्रेशर था कि जॉब मिले। जब जॉब मिली तो उस टाइम प्रेशर था कि अब मज़ा नहीं आ रहा, अब क्या करें। फिर मैंने कहा अल्टरनेटिव क्या हो सकता है, कुछ ऐसा काम जिसको करने में मज़ा आ जाए, उसका जो आउटकम है उससे नहीं काम करने में मज़ा आ जाए। तो वहाँ मैंने ये सोचा कि मैं एक ऐसा काम कर रहा था पहले जो मुझे अच्छा लगता है। गिलगित से, कराची से बोरी बिस्तर पैक के मैंने किसी को नहीं बताया, डायरेक्ट हम आ गए बस में, ठीक है, जहाज़ में नहीं, किस में, बस में हम दोनों साथ आ गए, हम यहाँ पहुँच गए और आज हम ये सेशन कंडक्ट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि दिस रिलेट्स टू माई इंटरेस्ट। तो लाइफ में, थैंक यू सो मच, तो लाइफ में इंटरेस्ट का होना बहुत लाजमी है। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, इंटरेस्ट को फॉलो कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि ये करना मुझे अच्छा लगता है। और करियर के हवाले से एक सेंटेंस में बताऊँगा आप लोगों को, उसके बाद मैं ये सेशन एंड करूँगा। देखो करियर में ना कभी भी अभी ही डिसाइड नहीं करो कि क्या बनना है, अभी ये देखो कि क्या क्या बना जा सकता है। अभी सोसाइटी में क्या है, फ्रीलांसिंग बहुत सारी चीज़ें आई है, बिज़नेस के रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें आई, टेक्नोलॉजी के रिलेटेड बिजनेस, हर चीज़ में मतलब इंतहाई ज़्यादा चीज़ें। आपको इन्फॉर्मेशन गैदर करना है, अभी क्या करना है, इन्फॉर्मेशन गैदर। और व्हाट डू यू वांट टू बिकम इन फ्यूचर, वो अभी से ही डिसाइड नहीं करो, 1-2 महीने लगाओ, सर्च करो कि दुनिया में लोग क्या क्या बन रहे हैं, क्या क्या बने जा सकते हैं। अगर 2017 में मुझे ये पता होता तो शायद मैं सिविल इंजीनियर नहीं बनता, मैं लिटरली बता रहा हूँ, शायद मैं नहीं बनता, वहाँ भी शायद लगा रहा हूँ, शायद मैं बनता, शायद मैं नहीं बनता, बट मैं नहीं बनता। क्यों? क्योंकि मेरा इंटरेस्ट नहीं था, वो जस्ट एक ख्वाहिश थी बचपन से कि बनना है, तो बन गया मैं। और कुछ भी मसला तो अब ये जो काम है इसमें, इसको करने में मुझे क्या होता है, अच्छा लगता है। तो मैंने थोड़ा सिविल इंजीनियरिंग से थोड़ा ब्रेक लिया है और अभी क्या कर रहा हूँ, ये काम कर रहा हूँ। कब तक करूँगा आई डोंट नो, कैसे करूँगा आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, बट मैं करूँगा। क्या करूँगा, कैसे करूँगा, वो कब करूँगा नहीं पता। सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग।